शादी की खुशियां बदली मातम में, युवक की करंट लगने से मौत। रोहित नामक युवक ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में आया था, जहां पर उसको करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों द्वारा उसे तुरंत जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं परिजनों का गंभीर आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण युवक की जान गई, जिसके बाद अस्पताल में परिजनों द्वारा हंगामा भी किया गया। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंचकर समझा बुझाकर मामले को शांत करवाने में लगी रही। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर केवल कागजी कार्रवाई में ही सीमित रहे, उन्होंने अगर इलाज समय पर शुरू किया होता तो शायद युवक की जान बच जाती। सर्जिकल लाइट लगी हुई थी, सामने वाले ने खम्मा पकड़ा, उसके करंट लग गया, हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल लाने के बावजूद भी डॉक्टर ने कही कि कागज पहले कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करो, उसके बाद में है ना हम सामने वाले का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये सामने वाले की गलती है, सरकारी हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर की गलती है, और डॉक्टर अबे मेरे बाद में उपस्थिति में नहीं है, वो लापता है, वास्तव में लापता है। वैसे ही थोड़ा सा करंट लग गया था, लेके आए अस्पताल में, उन्होंने मेरा घोषित कर दिया। शादी में कैसे करंट लगा? खम्भे में करंट आ गया थोड़ा सा, जुनूनी टाइप की ले आए। अच्छा, तो डॉक्टरों ने क्या यहाँ पे क्या बोला? घोषित कर दिया उसको, मारा घोषित कर दिया। हम दूसरी हॉस्पिटल में भी ले गए, उन्होंने भी नहीं झेला। अच्छा, तो यहाँ पर लाने से पहले डॉक्टर ने क्या बोला था आपसे? डॉक्टर ने तो ये कहा कागजी कार्रवाई पूरी करो। अच्छा, ये ट्रीटमेंट चालू नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, लड़के की सांसें चलते हुए लेके आए।